गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 3.5 तक हम स्टडी कर चुके थे, आज हम एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 3.6 का, इसमें हमें सीखना है एचसीएफ निकालते कैसे हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसमें एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है आपको। तो देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 एंड 60, तो 36 और 60 का देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ हम लिखा है 36 60। सबसे पहले हम 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आपको पता होगा प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो 36 से 2 से कटेगा, 2 से कितने बार में, 18 बार में। फिर से 2 से 18 कितने बार में कटेगा, 9 बार में। 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार में। और 3 बन जा 3। तो इसका जो प्राइम फैक्टर निकलेगा क्या निकलेगा, 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरह 60 का निकालेंगे, तो 2 से 30 बार में कटेगा, फिर से 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, फिर से 5 से 1 बार में। और 60 का जो कॉमन फैक्टर हो, सॉरी 60 का जो फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 × 2 × 3 × 5 निकलेगा। अब इसमें हम सर्च करेंगे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। तो कॉमन फैक्टर आप 36 एंड 60 यहाँ लिखेंगे, सॉरी 36 एंड 60। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, तो देखिए ये वाला 2 मिल जा रहा है दोनों में, ये मिल गया। फिर से ये वाला भी 2 दोनों में मिल जा रहा है, तो 2 लिखिए। अब यहाँ पे 3 मिल गया, तो 2 और 3 क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। अब लिखेंगे हैंस एचसीएफ इक्वल टू, जो भी कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। जो 12 होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फाइंड करना है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 8 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन और हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कैसे होगा। क्वेश्चन 6 देखिए हमें कैसे होगा। सो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, 28 35 और 49 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 28 का निकालेंगे, 2 14 बार में होगा, फिर से 2 7 × 7 × 7, फिर से 5 × 7 बार में, 7 × 7 होगा। 49 का निकालेंगे तो 7 × 7 होगा, 2 × 2 × 2 × 7 = 28 का निकला, 35 का 5 × 7 निकला और 49 का 7 × 7। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर बस केवल अकेला 7 मिल रहा है, लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 7। तो लिखेंगे हेंस एचसीएफ इक्वल टू 7। यहाँ पे जितने भी नंबर कॉमन आएंगे उसको मल्टीप्लाई करना, तो हमें कॉमन एक ही मिल रहा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एचसीएफ क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1, 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये जब आप 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालेंगे ना तो 1 ही निकलेगा, तो ये क्या है, ट्रू है। इसी तरह से एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर और 2 का को प्राइम नंबर है और उसका एस सी एफ निकाल रहे हैं, तो उसका भी एस सी एफ क्या होता है, 1 होता है। ये सही है, बिल्कुल सही है। एस सी एफ ऑफ 2 एन इवेन नंबर, एस सी एफ ऑफ एन इवेन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज इवेन नंबर। ये क्या होगा, अगर दो एक एस सी एफ सॉरी एक इवेन नंबर और एक ऑड नंबर हो, अगर उसका एस सी एफ जब निकाल रहे हैं तो इवेन नंबर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि इवेन नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, फाल्स होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एस सी एफ ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव इवेन नंबर, एस सी एफ ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव इवेन नंबर इज 2। अगर दो कॉन्सेक्टिव दो लगातार इवेन नंबर आ रहा है और उसका एस सी एफ निकालेंगे तो 2 आएगा, यही कहा है क्वेश्चन में, तो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये सही है। और 5 क्वेश्चन ये, एस सी एफ ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर इज 2। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर दो कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर है तो उसका एस सी एफ जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या होगा, फाल्स होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।